हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये है मेरी मम्मी का एनिवर्सरी ब्लॉग था। सो गाइस, आप लोग देखिए ब्लॉग, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, ये सुबह 32 जून की सुबह, तो मॉर्निंग में कोल्ड लग गई थी, बहुत दिन बाद बारिश हुआ था तो रुक गई थी, तो वही मैं कोल्ड उल्ड लग ली थी। नारायण भगवान को दिखा रही थी, तो ये मॉर्निंग की सुबह थी जो मम्मी चावल करी और घुगनी सब्जी वब्जी बनाई थी, और ये हमारा दूध दूध और आ रहा है। गाइज, मेरी आवाज़ भारी लग रही है क्योंकि मेरे फ्यूजर लगा हुआ है। सो गाइज, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं बैलून फुला रही हूँ, आप सब देख सकते हैं गुब्बारे फुलाने का काम मैं कर रही थी। मतलब बहुत अच्छा ब्लॉग है गाइज, देखिए यहाँ मैं स्लो मोशन बना रही हूँ वो। या एक मिनट, तो यहाँ गुब्बारा फूल रहा है। तो गाइज, यहाँ गुब्बारा फूल रहा है और स्लो मोशन वाला वीडियो बन रहा है। बहुत सारे गुब्बारे मैं फुलाई थी, बट ज़्यादा नहीं। मम्मी और हम, पापा तो राजगीर गए हुए हैं और तो आ गए हैं, आज सुबह आ गए हैं। तो ये देखिए गाइज, मेरे गुब्बारे फूल गए हैं और इसको मैं बांध उन दी थी। तो ये मैं अपना वेट रूम में बैठी हुई थी और बोल रही थी कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ ये ब्लॉग मैं शूट की थी उसी के रिलेटिव कि मेरी कंडीशन अभी क्या है। आप लोग को मेरा आवाज़ बहुत भारी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा सही है, मेरा बहुत तबीयत ख़राब है। तो गाइज, ये वाला ब्लॉग आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरा देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। सो बैलून आ गया तो और यहाँ कुछ खाने के लिए भी मैं मंगाए थे, गोलगप्पा और मंचूरियन मंगाए थे, तो उसी के लिए मम्मी को कर देती हूँ। मम्मी अच्छे से करते हैं, निकालते उकालते हैं, पहले खा लेते हैं। तो ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी वाला बहुत महंगा देता, ऑनलाइन ही मंगाई थी मैं, यही पड़ोस से मंगाई थी। सो ये गाइस, अभी हम लोग यमी गोलगप्पे, तो गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे, तो गोलगप्पे खा रहे थे हम और मम्मी। ये हम लोग पापा को बहुत मिस किया, मेरा भाई भी नहीं आ पाया क्योंकि उसको थोड़ा पैर उर में कुछ दिक्कत हो गया था। तो ये मंचूरियन बहुत दिन बाद, लॉकडाउन के बाद हम लोग फर्स्ट मंचूरियन खा रहे हैं। आज मुझे ब्लॉगिंग वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं कल ही आपको ये सब वीडियो दिखाती, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए नहीं शेयर कर पाई 23 जून को, बट नेक्स्ट सुबह तो करके ही दिखाऊँगी। सो यहाँ पे बैलून देख सकते हैं, बैलून तो ये लोग फूलता नहीं है। तो मैं टॉफ़ी मंगाई थी लॉलीपॉप का, मुझे पता था इसमें ना रेती नहीं देगा फुलाने वाला, तो मैं लॉलीपॉप वाला मंगाई थी और इसको फुला रही हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी में पूरा बैलून फुला लिया, मेरा मुंह सूख गया, इतना मेहनत से मैं फुलाई हूँ कि कोई लिमिट नहीं। गाइज देखिए, मैं हैप्पी एनिवर्सरी वाला कर दी हूँ, सो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, ये उल्टा हो गया पता है, लेकिन बहुत अभी और प्रिपरेशन करना बाकी है, बहुत बाकी है। तो अभी केक आना बाकी है और रेडी होना बाकी है, तो स्टार्टेड माय एनिवर्सरी पार्टी। आप सबका जींस टॉप पहनी हूँ और मम्मी भी साड़ी वही पहनी है, तो अभी पिक्चर क्लिक करती हूँ। और ये मेरा लास्ट, देखिए जितना सुंदर लगे, बस केक की मोमबत्ती भी आ गया है। अच्छा मम्मी निकालो केक, तुम निकालो, देखो केक कैसा है, बढ़िया से निकालना। तो गाइज, आपके लिए मैं शूट कर रही हूँ, हम लोग अभी देख सकते हैं घड़ी, अभी 5:30 बज गया और मम्मी और मैं फ़ोटो ले ली, मेरे प्लान की साथ हुआ कैंडल। और ये क्या है मम्मी, एनिवर्सरी वाला काट के मुझे करना है, इसको कर दूँगी मैं। गाइस, केक का इंतजाम हम लोग बहुत देर से कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे वाला दे दिया, नहीं हैप्पी बर्थडे का है, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे थोड़ी है, हैप्पी एनिवर्सरी है मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी ही का है। हाँ हैप्पी एनिवर्सरी का ही केक है। तुम्हारे पापा का नाम लिख देंगे। वाह गाइस देखिए फाइनली कल केक आ गया हमारा। वाह इतना सुंदर लग रहा है, इसमें मम्मी और पापा का नाम लिख दूंगा कि ना ऐसे। ठीक है लिख देते हैं। विकास होगा मम्मी का 22 ईयर का और ये हैप्पी एनिवर्सरी का है। सो गाइस हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। इधर लगा देना चाहिए था बोर्ड वाले, लेकिन सामने है ना तो सामने ही ठीक है। लगा इतना केक कटिंग हो गई है, केक अच्छा है, पाइनएप्पल फ्लेवर का था। और मम्मी रेस्ट करने गई, मम्मी को खरीदने का भाई। अब मैं चाची के लिए केक काट रही हूँ, सो मैं कैंडल निकाल दे दूँ। किसी को बुला नहीं थे, बट हम लोग बगल बगल को दिए थे केक कि थोड़ा बहुत खा लिया जाए। मम्मी बोली ना ना ना, तो बोले नहीं। हाँ मम्मी बोल रही थी नहीं बनाएंगे, तो हम कहे नहीं मम्मी बनाओ। तो गई यहाँ मैं, शाम को टाइम हो गया था, सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ मैं आई और अपना जो इवनिंग रूटीन है वॉक कर रही थी। तो बगल में ही ना शादी था, तो आपको हम शादी का कुछ क्लिप दिखवा रहे। शादी का नहीं मतलब सजावट वजावट था, तो वही उधर पूजी के लिए जाया जा रहा था। तो अब लोग मैं सोची कि थोड़ा सा क्लिप ऐड कर लेती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी आई थी, तो बनाई थी पनीर, लेके आई थी पनीर को, मतलब खाना मेरा और मम्मी पापा का एनिवर्सरी का, पूरी और पनीर और खीर बना था। तो देखिए रात का टाइम है और ये मेरा डिनर, स्पेशल डिनर रेडी है। तो गुड मॉर्निंग वाला मेरा आज का गुड मॉर्निंग है, वही डार्क और क्या बोलते हैं एप्पल उप्पल खा ली और सारे 9 बजे आंटी उंटी गई, तो केक उक था और क्या। सो गाइज बाय बाय, ये मेरी मम्मी का ही ब्लॉग है और कुछ क्लिप ऐड की हूँ आप सबको मेरी मम्मी का। ये मम्मी प्रेयरिंग कर रही है केक काटे हुए के लिए, और ये मेरी मम्मी ब्यूटीफुल मम्मी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये केक का फोटो आप लोग देखिए, केक पाइन एप्पल था। और हैप्पी एनिवर्सरी, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे मेरे मम्मी पापा के लिए दुआ कीजिएगा। सो आपको अच्छा लगा ब्लॉग, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।